स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इस टीम को आईपीएल की सबसे मजबूत टीम माना जाता है। जब से इस टीम ने आईपीएल में कदम रखा है, तभी से इस टीम का बैटिंग डिपार्टमेंट हमेशा से खबरों में रहा है। सितारों से सजी इस टीम का एक गजब का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने मैच विनर्स को दूसरी फ्रेंचाइजीज के हाथों गवाया है। क्रिस गेल, केएल राहुल, शेन वॉटसन जैसे बड़े खिलाड़ियों ने दूसरी टीमों में जाने के बाद आरसीबी को बहुत परेशान किया है। आरसीबी स्कोरबोर्ड पर बड़े रन बनाने के लिए तो जानी जाती है, मगर बड़े रन डिफेंड करने में ये टीम हमेशा फेल हो जाती है। साथ ही ऑक्शन टेबल पर भी इस टीम का मैनेजमेंट क्वालिटी बॉलर्स को खरीदने में हमेशा गलत फैसले लेते आया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पार्थिव पटेल ने इस बात का खुलासा किया कि किस तरह आरसीबी ने जसप्रीत बुमराह को नीलामी में मुंबई इंडियंस के हाथों गवाया। पार्थिव ने बताया कि उन्होंने विराट कोहली से जसप्रीत बुमराह को खरीदने के लिए कहा था, पर नीलामी के दौरान मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को पछाड़ दिया और वो मुंबई की टीम में चले गए। आज बुमराह को दुनिया के शानदार गेंदबाजों में गिना जाता है। वहीं साल 2020 के लिए जब आरसीबी पैट कमिंस को खरीदने गई तो उसे केकेआर के हाथों शिकस्त खानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक।